आज इस वीडियो में हम हट के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो शिक्षक भर्ती में जितने भी जो साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आज मैं 5 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, तो आज यहाँ पर बीच में अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कॉमेंट करके बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान RPSC सेकेंड ग्रेड, ठीक है। अभी देखिए ये सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन नहीं है, ये थर्ड ग्रेड रीट में भी आए हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैं आगे बताता चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा एडुकेटम, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाहर, अंदर, अंदर से बाहर और विकास, ठीक है। तो साइकोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अंदर से बाहर, ये क्या होता है। एडुकेटम जो लैटिन भाषा का शब्द है उसका अर्थ होता है अंदर से बाहर, ठीक है, अंदर से बाहर। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो ये RPSC ने पूछा था 2011 में ये क्वेश्चन साइकोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं शिक्षा की 3 प्रमुख आधार, तो ये लगभग सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक खाली स्थान दे रहा है, पहले में बताएंगे, दूसरे में ये बताएंगे, वह ये बताएंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो ये पूछा गया है 8th exam 6th 4th 2024 में, नहीं सॉरी 2022 में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, उसके बाद सिद्धांत, शिक्षण उद्देश्य, इन 3 जो खाली स्थान है इनमें आपको बताना शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से हैं, ठीक है। तो आधार यहाँ पर 3 ये हो गए, 3 यहाँ पर ये हो गए, और 3 यहाँ पर ये है शिक्षा क्रिया विधि शिक्षक, ठीक है। उसके बाद 4th ऑप्शन हमारा महत्व शिक्षक वस्तुनिष्ठता, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम, जो हम पढ़ते हैं जो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, और छात्र जो पढ़ता है शिक्षक द्वारा, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम, ये शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है रीट में। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है, परिवार है वो जो बच्चा है बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है, क्वेश्चन ये है। और ये इतिहास स्कूल प्रधानाध्यापक के 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको साथ में ये भी बताता रहूंगा कि कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपकी वीडियो छोटी रहने वाली है, 5 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो बताना, मैं कंटिन्यू आपके लिए मतलब जो पुराने जो पेपर है वो यहाँ पर वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से और प्रत्यंत सहित और नियमित रूप से, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और 4 यहाँ पर देख सकते हैं औपचारिक हो गया, और उसके बाद है अनौपचारिक और प्रत्यंत सहित नियमित रूप से। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है तो कहाँ पर है, अनौपचारिक रूप से, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन, अनौपचारिक रूप से, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो डिटेल में भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर बस ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये 5 क्वेश्चन बताने के लिए आया, ठीक है। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई, जो साइकोलॉजी है मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 3rd ग्रेड संस्कृत पेपर में, ठीक है, 2023 में, यहाँ पर जो भी दे रखा है वो, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई, तो साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो इसकी फ्रेंच भाषा से हुई है, लैटिन से हुई है, स्पेनिश भाषा से हुई है, अंग्रेजी भाषा से हुई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंग्रेजी भी नहीं होगा, स्पेन भाषा भी नहीं होगा, यहाँ पर ये फ्रेंच भाषा भी नहीं होगा, तो लैटिन भाषा हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही है, ठीक है। लैटिन भाषा से साइक्लोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकारवाद से संबंधित नहीं है? प्रकारवाद है, ठीक है, प्रकारवाद से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक हैं, उनके नाम दिए गए हैं। तो पहला है यहाँ पर विलियम जेम्स जॉन डीवी, उसके बाद यहाँ पर जेम्स आर एंजल, ठीक है, उसके बाद है एपिया है टेचनर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए हमारे तक साई नहीं है तो आप जो की क्लास नहीं हो पा रही थी, मतलब और ज्यादा लिखना पड़ता है यहाँ पर, और अभी मतलब कि मेरा भी एग्जाम है, इसलिए दो दिन तीन दिन आप मतलब एब्सेंट रहेगी। कोई अगर वीडियो में वैसे स्लाइड के माध्यम से बता सकता हूँ तो बता दूंगा, ठीक है, वैसे बोर्ड पर नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। और अभी देखिए मेरी शायद भी खत्म हो चुकी है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, एडुकेटम जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, अंदर से बाहर। तो यहाँ पर ऑप्शन तीन हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, तीन नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, शिक्षा के तीन प्रमुख आधार। तो शिक्षा के तीन प्रमुख आधार कौन कौन से हो जाएंगे, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो एक नंबर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ यहाँ पर आपको मैं, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर औपचारिक अनौपचारिक ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर दो नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अनौपचारिक रूप से। परिवार बच्चे को शिक्षा किस तरह देता है, अनौपचारिक रूप से देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है साइक्लोलॉजी से, साइक्लोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो मतलब जो मनोविज्ञान है इसकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कौन सी भाषा से हुई थी। तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा है, लैटिन भाषा है, स्पेनिश भाषा है और अंग्रेजी भाषा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा लैटिन भाषा से। उसके बाद यहाँ पर पांच नंबर क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं अच्छे से बोल देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकारवाद से संबंधित नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, विलियम जेम्स जॉन डेवी और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जेम्स आर एंजिल, ठीक है। उसके बाद है ई बी टेचनर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पांच क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के, तो मैंने आपको बता दिए जो कि पिछले सालों में जो शिक्षक भर्ती जितनी भी आई हैं उनमें पूछे गए हैं। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इसी प्रकार की जो ओल्ड पेपर है इस प्रकार के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। थैंक यू।